बाकी बिकाऊ माल तो बिकाऊ माल ही होता है। अकाल यूपीए ज्योतिर्लिंग जिस इंडिया कांग्रेस पैदा ना हो, यूपीए ज्योतिर्लिंग जिस इंडिया कांग्रेस पैदा ना हो। आने वाले कुछ महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे और एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए राजा महाराजाओं को खरीद लिया, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब विधायक को नहीं खरीद पाए। हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। चलिए आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का पूरा बयान, फिर आगे की कहानी बताएंगे कि भाजपा के इस विधायक खरीदो आंदोलन में गरीब अनुसूचित जाति जनजाति का विधायक नहीं बिका, ये भी बैठा है दिल्ली पर। 25-25, 50-50 करोड़ के ऑफर ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। बाकी बिकाऊ माल तो बिकाऊ माल ही होता है। अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों मध्य प्रदेश के उन विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां कई बार कांग्रेस हार चुकी है, और फिर दिग्विजय सिंह महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे और उज्जैन में ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद भला कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुप बैठ सकते थे? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को देश विरोधी बता दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। आपको बता दें, सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अंतरकला जग जाहिर है। इतिहास का पन्ना पलट कर देखें तो सिंधिया और दिग्विजय सिंह के रिश्तों के बीच खटास पहले से ही है। साल 1802 में ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया ने राघोगढ़ रियासत के 7वें राजा जय सिंह को पराजित किया था। इसके बाद राघोगढ़ राजघराना ग्वालियर रियासत के अधीन आ गया था। दोनों परिवारों के संबंध में खटास की शुरुआत थी। सिंधिया की ग्वालियर रियासत और दिग्विजय की राघोगढ़ रियासत के बीच रिश्ते हमेशा विरोधाभास रहे हैं। दोनों के बीच दुश्मनी 2 शताब्दी से भी ज्यादा पुरानी है। जब राघोगढ़ के राजा ग्वालियर रियासत के लिए राजस्व वसूली का काम कर रहे थे, राघोगढ़ ग्वालियर रियासत के अधीन था, इसलिए दुश्मनी कभी खुलकर सामने नहीं आई। राजनीति में भी सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह के रिश्ते ऐसे ही रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी दिग्विजय को अपना राजनीतिक दुश्मन मानते थे। इसके बावजूद उनकी मौत के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति में एंट्री ली तो दिग्विजय सिंह ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया और तराशा हुआ हीरा बताया था। बता दें, साल 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी की थी और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय गुट के बीच चल रही लड़ाई ने कांग्रेस को तोड़ दिया था और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया था।